दोस्ती यारी में घूमने गया 14 साल का मनीष घर नहीं लौटा, जिसके बाद सभी लोगों ने एकत्रित होकर SSP को लेटर दिया और जल्द से जल्द बच्चे के ढूंढने की मांग की। बताया कि 27 फरवरी को दावत खाने के लिए अपने दोस्तों के साथ गया था, लेकिन दो बच्चे लौट आए, लेकिन अभी तक उनका पुत्र घर नहीं लौटा। राजवीर, आपका जो बेटा है 14 साल का, कैसे खोया है और क्या नाम है उसका, पहले बताइए। मनीष नाम लड़का है और दो बच्चे ले गए थे गाँव के। कौन ले गया था? एक वो है, वो क्या नाम है, राजा, और दूसरा है रामकिशन। वो ले गए थे कि हम दावत खिलाने ले चल रहे थे लोगों को, तो वो जब वो दावत खिलाने नहीं गए, वो गए होटल में खाना खिलाने के लिए। जब पुलिस में थोड़ी सी दबाश हुई तो मन से गए कि हम दावत खाने नहीं गए, हम गए रुलकता गए दावत वो होटल में खाना खाने गए। तो वो तो दोनों लोग गाँव हुई हैं और मेरा बच्चा अभी तक नहीं है, 20-25 दिन हो गए। किस क्षेत्र में रहते हैं? जौपुरा। जौपुरा। जो बच्चे ले गए थे आपके बच्चे को, परिचित है या अपरिचित है, जानते हैं आप उन लोगों को? जानते हैं, गांव के ही हैं। तो पूछ पुलिस से FIR कराई। हाँ, पूरी FIR कराई है। और क्या बताया लड़कों ने कि कहाँ गया वो लड़का? लड़का जो बोले कि हमको नहीं पता, हमने तो गांव में ही छोड़ा था। किस गांव में छोड़ा था? उसी गांव में, जौपुरा। कितने देर हो गए इस बात को? 23 तारीख की बात है ये, 23 फरवरी। नाम राजेश कुमार, पार्षद। राजेश जी, अभी SSP जब से मिले हैं, क्या कहा उन्होंने फिर? अभी कप्तान साहब, इससे पहले मैंने SO साहब से खुद ही बात करी थी, तो SO साहब का जो बात करने का रवैया तो वही ठीक नहीं था। मैंने पूछा था 23 तारीख का बच्चा लापता है और उसमें आपने अभी तक क्या कार्रवाई की है, तो उन्होंने बोला आप बताओ कार्रवाई क्या करनी है, कार्रवाई जो चाहूँगा मैं करूँगा। तो उसके बाद मैं उनसे बात करने के बाद मैं ASP साहब से मिला था, ASP साहब ने पूरी डिटेल ली थी मुझसे, तो उन्होंने आश्वासन दिया था कि जो भी इसमें सशक्त कार्रवाई वो करेंगे, बच्चों को बरामद करवाएंगे। लेकिन उनके आश्वासन के बाद भी अभी तक 23 तारीख का बच्चा गया हुआ है और आज 13 तारीख हो गई, एक महीना हो गया, बच्चे को पता नहीं चल रहा है। और अभी कप्तान साहब से मिले हैं, कप्तान साहब ने बोला है कि इसमें दिखवाते हैं क्या मामला है, लेकिन परिवार का इतना बुरा स्थिति में है कि इतने परेशान हैं कि 15 साल का बच्चा है और अभी तक पता नहीं उस परिवार में क्या बीतरी होगी। और उस स्थान में दो बच्चों के जो नाम बताए, उन्होंने नामजद रिपोर्ट लिख करके दी थी। वो भी बच्चे हैं या फिर नहीं? वो उससे थोड़े बड़े हैं। एक तो बड़ा है, ये बड़ा है। आशंका लगती है, इतने दिनों तक नहीं आया बच्चा। आशंका से क्या क्या कह सकते हैं इसमें आशंका, जब तक दोनों बच्चे लौट आए वो नहीं आया और कोई उसकी खबर नहीं मिल रही है, उसके बावजूद भी शंका तो बनी हुई है। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए देखें हमारा यूट्यूब चैनल, करें लाइक शेयर सब्सक्राइब।